अंतस की धारा में यानी मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे रहना, सीधे स्वस्थ सुखद आसन में धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। बाहर तो प्रतिदिन प्रभात का सूरज उगता है, लेकिन हमने अंधेरों में जीवन काट दिया। अंधेरों में जीवन यूं ही गुजरता चला जा रहा है। तुम अपने हृदय द्वार को ना खोल पाए, तुम अपने को ना जान पाए, अपने अस्तित्व को तुम अपनी प्यास को ना जगा पाए, तुम उसके प्रेम में ना उतर पाए। प्रेम जिसमें कोई वियोग नहीं होता, अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। ध्यान रहे, दर्पण में जब चेहरे का दाग दिखता है तब हम दर्पण को नहीं तोड़ते, बल्कि दाग को साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कोई भी कमी बताए, हम उस पर क्रोध करने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय अपनी कमी को दूर करें, क्योंकि अंतस सुधार का मार्ग है। अपने में कमियों को दूर करना है, बस आंखें पढ़ो और जानो मेरी रजा क्या है। हर बात लफ्जों में बयां हो तो मजा क्या है। ये रंग ही कुछ ऐसा है, रंग कुछ ऐसा चढ़ गया कि और कोई रंग चढ़ ना पाए। सच में जिसे अंतस का एक बार रंग चढ़ गया, फिर उसके लिए सारी दुनिया रंगीन हो जाती है, मस्ती ही मस्ती। और ये रंगीनपना क्या, यानी अकारण आनंद में बहना। ये रंगीनपना क्या, यानी बांटने के लिए निकल पड़ना। लेकिन हमारी स्थिति यानी माइंड की स्थिति ऐसी होती है कि हम सीखे हुए को सिखाने निकल पड़ते हैं बिना किसी अनुभव के। तो ऐसे में द्वंद्वों के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। जो थोड़ी बहुत जीवन में वाइब्रेशंस हाथ लग रही थी पूर्व की पात्रता से, हम उससे भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन ये धारा अंतस की है, भगवत गीता का गीत है। वो गीत, वो उल्लास, वो उमंग, जो भी भीतर है। ज्ञान है तो ज्ञान बांटना है, भक्ति है तो भक्ति बांटना है, संपत्ति है तो संपत्ति बांटना है, शक्ति है तो शक्ति बांटने, युक्ति है तो युक्ति बांटने के प्रोसेस में किसी ना किसी तरह जो भी तुम बांटने की ओर ले जाए, ना कि समेटने की ओर, जो तुम्हें बहाता चला जाए और अभी और तुम्हारे जीवन की नदी को बहाकर उस परम उल्लास मिलन की ओर, उस महासागर से जो तुम्हें सतत उस ओर आकर्षित करता चला जाए। यह है सद्गुरु का रंग, जो खुद भी प्यासा है और तुम्हारी प्यास को भी तृप्त करने की कोशिश कर रहा है। अंतस का रंग ही कुछ ऐसा है, जहां हमेशा बेपरवाही का आलम, मस्ती के सिवा कुछ है ही नहीं। बस तुम्हें कुछ चढ़ी होनी चाहिए, नशा। वैसे होश वालों की भाषा बेहोशी में नहीं समझी जाती, ये दीवानों की भाषा है, दीवानगी में ही समझी जा सकती है। बुद्धि वाले इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जीवन को नहीं जी सकते। जिसने पाया है वो जिस अदा से, जिस मस्ती से, जिस ढंग से तुम्हें बताना चाहता है, उसके लिए वैसी ही दीवानगी, वैसी ही आवारगी, वैसी ही मदहोशी तुम्हें भी चाहिए। और ये केवल गुरु कृपा से ही संभव है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। इसी जन्नत का नतीजा है कि भगवत गीता के रूप में हम जीवन के रहस्यों को उखाड़ पाने की कोशिश कर रहे हैं। बस गहरा समर्पण चाहिए,
मर मिटने की चाह होनी चाहिए। बार बार इंसान जब मन के हाथ लगता है तब उसके भीतर एक उद्गार पैदा होता है, हे प्रभु। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, मैं थक चुका हूं, अब मुझे कैसे भी इससे पार उतारो। मैं इससे पार उतरना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं प्रकृति के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं। और जब जीव के अंदर ऐसी इच्छा पैदा होती है तब ईश्वर उसे ऐसा साधन देते हैं, और मुक्ति का साधन है केवल मनुष्य तन। इसीलिए मनुष्य तन की महिमा है, बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। ये मनुष्य जीवन साधन है मोक्ष को प्राप्त करने का, मुक्ति को प्राप्त करने का, परलोक को सवारने का। देवता भी इसकी कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर पूरी सामर्थ्य है मुक्त होने की। तो ये जीव कैसे मुक्त हो, इसी बात को हम भगवत गीता के श्लोकों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि ईश्वर के स्वरूप को समझने में हमें दो भूल हो रही है। पहली भूल कि ईश्वर को हम शरीर रूप में समझते हैं, और जब ईश्वर को ऐसा समझते हैं तो हमें लगता है कि वासुदेव का पुत्र कृष्ण, या जो राधा का प्रेमी था कृष्ण, या जो अर्जुन के सारथी थे वो कृष्ण, या जिसने कंस का नाश किया था वो। अगर हम उन्हें शरीर रूप में देखेंगे तो हम उनकी सीमित मान्यता को बना लेंगे, और फिर सीमित रूप में ही हम उनके मंदिर बना लेते हैं और उनकी पूजा आराधना शुरू कर देते हैं। एक बहुत सीमित दायरा है, ठीक है, ईश्वर उनमें उतरा है, उन्हें ईश्वर की प्रगाढ़ अनुभूति हुई, इसलिए वो पूजने योग्य हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा ही है जो व्यक्ति मानकर उनकी उपासना में लगा है। दूसरा वर्ग कहता है ये कैसा ईश्वर है, ये तो युद्ध करवाता है, इतनी जबरदस्त हिंसा करवाता है, ये कैसा ईश्वर है जो इतनी गोपियों के साथ नाचता है, ये कैसा ईश्वर है जो बुद्ध जो सोए बच्चे को छोड़कर निकल जाते हैं, कोई कर्तव्य है कि नहीं। तो एक वर्ग है जो इनका व्यक्तिगत रूप, छोटा सा रूप पकड़कर उनको पूज रहा है। दूसरा वर्ग इनकी गलतियां पकड़कर उनको पूजना ही नहीं चाहता, ये विरोधी का वर्ग है। लेकिन ना अनुयायी ईश्वर को समझ पाता है, ना ही विरोधी ईश्वर के स्वरूप को समझ पा रहा है। आप कहोगे विरोधी से तो बेटर अनुयायी है, लेकिन दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर है। अनुयायी ईश्वर को आकार रूप में कैद कर लेते हैं, और विरोधी का वर्ग भी उन्हें नहीं समझ पाता, क्योंकि उनके जीवन के प्रसंग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी में सेट हो ही नहीं सकते। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए बहुत प्रगाढ़ दृष्टि चाहिए, ना अनुयायी ना विरोधी, दोनों ही उसके स्वरूप को नहीं समझ सकते। ईश्वर के स्वरूप को मात्र एक प्रेमी समझ सकता है, और ये प्रेमी भी तुम तभी बन सकते हो जब तुम्हारा ये प्रेम किसी प्रत्यक्ष सद्गुरु के प्रति होता है। तब वह प्रेमी की दशा ऐसी होती है कि वो ईश्वर को समझने के लायक बनता है। ये स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, और इस दुख का कोई और कारण नहीं है, बस तुमने स्वरूप को ठीक ढंग से नहीं समझा। स्वरूप क्यों नहीं समझा? क्योंकि प्रेम ही नहीं है। जो भी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, अगर तुम्हें अंतस की धारा से थोड़ा सा भी लगाव है, प्रेम है, उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है। जो सिर्फ अनुयायी हैं या विरोधी हैं, विरोधी ना भी हो पर प्रेमी नहीं है, उन्हें ये बातें अंदर घुसी नहीं सकती। इतनी रहस्यात्मक बातें भीतर उतरने के लिए तुम्हारा इस धारा से प्रेम होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान अपनी सर्वज्ञता को समझा रहे हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको जानता हूं क्योंकि मैं काल के पार हूं, लेकिन कोई समय में रहते श्रद्धा भक्ति वाला पुरुष ही मुझे जान सकता है। इसे ध्यान से समझना।
भगवान समयातीत है, कालातीत है, ईश्वर काल के पार है। मान लीजिए कोई सामने से गाड़ी आई और चली गई, तुम्हारी जहां तक नजर है वहीं तक दिखी, लेकिन गाड़ी का अस्तित्व पहले भी था और गई, भले ही अब तुम्हें नहीं दिख रही लेकिन गाड़ी तो अभी भी है। इस व्यक्ति को गाड़ी का अस्तित्व उतना ही पता है जितनी देर उसे दिखती है। चेतना उन्नत दशा यानी स्थिति ऊंची, तुम्हारी चेतना का स्तर अभी नाजुक है, नीचा है, कमजोर है, केवल वर्तमान को ही जान पाती है। लेकिन जो चेतना शिखर पर जाके बैठ गई है वो उस गाड़ी को पहले भी देख रहा है, वर्तमान भी देख रहा है, आगे भी देख रहा है, वो कहीं से भी पूरा अस्तित्व कैच कर सकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं तो इन तीनों को पूरा कैच कर लेता हूं कि पूर्व में क्या था, वर्तमान में क्या है और आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो नीचे खड़ा है जिसकी चेतना निम्न है वो उसे नहीं देख सकता। तो जो नीचे खड़ा है उसके लिए बस, जो ऊपर खड़ा है उसके प्रति प्रेम श्रद्धा अर्पणता भक्ति भक्ति लानी होगी, तो तुम भी उसी प्रकार तीनों कालों को देख पाओगे। या तो तुम खुद पहुंच जाओ गुरु बनकर ऊपर के स्तर पर, अगर तुम स्वयं नहीं पहुंच पाओ तो भीतर श्रद्धा तो पैदा करो, किसी पर भरोसा तो करो, साक्षी भाव, तुम भी सब कुछ देख पाओगे, क्या भूत क्या वर्तमान क्या भविष्य है, लेकिन निर्लिप्त देखोगे, कभी भी अटैच नहीं होगे। जो इस प्रकार कभी भी अटैच नहीं होता वही मेरा त्रिकाली रूप समझ सकता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो मुझे जानने वाले होते हैं वे कैसे होते हैं, जो मुझे नहीं जानने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें बताया गया जो लोग सुख की इच्छा रखते हैं और दुख से द्वेष रखते हैं, भीतर झांकना तुम तो ऐसे नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग मुझे नहीं पाते। मुझे कौन पाता है? जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, यानी सेल्फलेस कर्म और हायर पर्पस वाला मुझे पाता है। दूसरी बात कही, जो द्वंद से मुक्त है, द्वंद यानी क्या, जिसके जीवन में सुख दुख नहीं आता ऐसा नहीं है, बल्कि वे दोनों स्थितियों में संभाव से रहता है, वो पलटने की आशा नहीं रखता, दुख आता है तो पलट जाए और सुख आता है तो उसे स्थिर रखने की कोशिश नहीं करता कि उसे ज्यादा लंबे समय तक रख लूं, ऐसी आशा ही नहीं रखता, यानी भीतर कोई ऐसी हरकत ही नहीं होती, भीतर कुछ हिलता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जो द्वंद के पार हो गया है, दुख आया है ठीक है मेरे विकास का एक पड़ाव है, सुख आया है ठीक है मुझे तो उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, जो मेरा स्वरूप समझकर मुझे भजते हैं, लेकिन तुम तो सदगुरु का स्वरूप समझे बिना इस धारा में आए थे, तो भगवान के स्वरूप को क्या समझोगे तुम? लेकिन सदगुरु प्रेम श्रद्धा अर्पणता पैदा करके ईश्वर अनुभूति को कराना चाहते हैं। इसी अनुभूति को और डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम में, तब तक इंतजार के पलों में रहना। ऐसा तेरी भक्ति में सांस खो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए, सफल हो जाए नर्तन मेरा, ऐसा बना दो गुरु जीवन मेरा, ऐसा बना दो गुरु जीवन मेरा।